ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं 500 रुपयों का अभ्यास करो, अपने बारे में सोचो, मैं कैसा था, कैसे ऊपर से आया, कैसे मैंने पूज्य स्वरूप का, पूजारी स्वरूप का जन्म लिया, मैं फरिश्ता स्वरूप बन रहा हूँ। अपना आप खुद का चिंतन करो, औरों को नहीं देखो, ये कौन क्या करता है, ये क्या करता है। दूसरों को देखेंगे जीवन भर में खाली ही रहेंगे, इसलिए आप दूसरों को देखने का समय नहीं है। खुद का चिंतन करो, पर चिंतन से बच करके रहो। उसके लिए थैले वाली कहानी बताई, पीछे का थैला कभी आगे नहीं करना, और कोई बोलता है तो हाँ जी करके सिर नहीं लेना, कोई कचरा डालता उसको डालने नहीं देना, संग दोष से बचना, कभी भी बदबू नहीं फैलाना, और छड़ी को दूसरे की कमजोरी नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप खुद को देखना कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या बुराई है। अगर कोई आपकी बुराई बताती भी है उसको भी क्या कहो, थैंक यू। हम क्या करते हैं, संत कबीर ने कहा निंदक नहीं रे राखी है, जो निंदा करता हमारा मित्र है, जो हमारी महिमा करता हमारा शत्रु है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी महिमा करता उसके साथ दोस्ती बनाते हैं। महिमा सुलाती है, ग्लानी जगाती है। इसलिए निंदा सुनना पसंद करो, निंदा सुनना अर्थात करेले खाना, और जितना करेले खाएंगे, कड़वी चीजें खाएंगे, उतना आपके अंदर शक्ति आएगी, आपकी उन्नति होगी। मैं जब शांतिवन में, मुझे याद आए, शांतिवन में पहले क्लास करता था डायमंड हॉल में, मेरा एक टॉपिक फिक्स रहता था निरंतर योगी कैसे बने, क्योंकि वो क्लास सब लोग पसंद करते थे। मैं जब डायमंड हॉल में क्लास करके डाइनिंग हॉल में जाता था तो कई लोग बोलते थे, अरे आपने वही एग्जाम्पल दिया, दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं आता वही, तो कई मेरे को बोलते थे, अरे आपने इतनी अच्छी क्लास की, सब लोगों ने ताली बजाई, इतने खुश हो गए, और ये अपनी निंदा करते, आप वहाँ क्यों बैठते, दूसरे टेबल पर बैठो। लेकिन मैंने जानबूझ करके उसी टेबल पर बैठता था खाना खाने के लिए, और मैं देखता था वो क्या क्या मुझे बोल रहे, वो सुनता था। और जब डायमंड हॉल में क्लास करता था तो मैं ये सोचता था वो भी सुन रहे होंगे, इसीलिए नए नए एग्जाम्पल देना है, नए नए एग्जाम्पल, नया नया चिंतन करते करते अब मेरे पास 200 टॉपिक हो गए। पहला तो एक ही टॉपिक था, अगर वो मैं उस टेबल पर ना बैठता, दूसरे तरफ जाता, तो मैं नया चिंतन ना करता, ना मेरे पास इतने टॉपिक होते। तो निंदा करने वालों ने क्या किया, मेरे को और ही आगे बढ़ाया। तो निंदा करने वाले आपको आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए निंदा सुनना पसंद करो। जितना निंदा अपनी सुनेंगे उतना आप अपनी बीमारी को, बुराई को निकाल सकेंगे, इसलिए पर चिंतन से बचना है। ठीक है,